इन दो कलर में से कौन से कलर ज्यादा बेस्ट है, आज मैं इसी चीज का टेस्ट करने वाला हूँ एक इमोजी को बना। तो पेंसिल कलर के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और क्रियोन्स कलर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक ड्राइंग शीट को दो पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ पेंसिल कलर और दूसरी तरफ क्रियोन्स कलर लिख लेता हूं। और बिना कुछ सोचे समझे बनाने लग जाता हूं एक इमोजी को। आज मैं एक इमोजी बनाने वाला हूं, लेकिन उसके अंदर दो एक्सप्रेशन होंगे। ऐसी ड्राइंग तो आज मैं पहली बार बना रहा हूं। तो देखते देखते ड्रॉ तो हो चुका था, अब बारी थी इनमें कलर करने की। तो सबसे पहले मैं करने में लग जाता हूं पेंसिल कलर से इसमें कलर। पेंसिल कलर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक तो इनकी नोक बार बार टूटती रहती है और ये अच्छे से मर्ज भी नहीं होते। तो अब बारी आ चुकी थी क्रेयॉन्स कलर से इस इमोजी में कलर करने की। अब मुझे वैक्स क्रेयॉन्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स है तो मुझे ये थोड़े बहुत पसंद है। तो देखते देखते आधे घंटे के अंदर ये दोनों इमोजी बनके तैयार हो चुके हैं। आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना।